बाड़मेर के रेलवे कुआ नंबर 3 निवासी सूरज देवी पत्नी पीथाराम की ओर से 27 अप्रैल को आत्महत्या करने के मामले को परिजन हत्या का मामला बताकर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर सूरज देवी की मौत आत्महत्या की वजह से ही मान रही है। बाड़मेर में करीब 2 माह पूर्व गेहूं रोड पर एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 25वें दिन भी जारी रहा, लेकिन मामले में बाड़मेर पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा का कहना है कि पुलिस जांच में मामला आत्महत्या का ही है। मामले में परिजनों के भारी विरोध और प्रदर्शन के चलते 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सूरज देवी हत्याकांड संघर्ष समिति ने घटना के 2 माह बाद भी पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने और पुलिस पर आरोपियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए सूरज देवी की हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर मामले को रफा दफा करने व आरोपियों को बचाने की बात कही है। यही नहीं, धरना देने के बाद भी पुलिस ने आनन फानन में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जाँच अधिकारी बदल दिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मामले में न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, ये जो विवाहिता का मृतक शव मिला था उसमें हमने पोस्टमार्टम करा दिया, उससे ये आया कि इन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड के लिए इनको प्रेरित किया गया, इसलिए हम इसमें 306 IPC में अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जो धरने पे बैठे हैं उनकी मांग है कि ज़्यादा व्यक्ति अरेस्ट हों, हमने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और शेष के खिलाफ अनुसंधान चालू। मर्डर का उनका आरोप है पर मर्डर पोस्टमार्टम से मर्डर की पुष्टि नहीं हुई। देखिए, हमने मर्डर में मुकदमा दर्ज किया, हम ये नहीं कह रहे प्रथम दृष्टया कि मर्डर नहीं होता। हमने जिस तरह से उन्होंने FIR दी वैसी FIR दर्ज की, फिर पोस्टमार्टम और अनुसंधान से ये मैटर मर्डर का नहीं लगा तो उसमें उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। देखिए, उनकी एक भावना जुड़ी हुई है, उनकी बेटी की मृत्यु हुई है, धरना देना सबका एक डेमोक्रेटिक राइट है, हम उसको मना नहीं कर सकते। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को रात 2 बजे घर के आंगन में सूरज देवी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका के पीहर पक्ष के अनुसार उसका शरीर पूर्ण रूप से शत विशत होने के साथ मारपीट व घाव के निशान थे। सूरज देवी के पांव जमीन पर टिके हुए थे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर साफ पता चलता है कि सूरज देवी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस राजनीतिक पहुंच के दबाव में हत्या के मामले को आत्महत्या में तब्दील कर आरोपियों को बचा रही है। धरने पर बैठे लोगों की मांग से अलग बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने अपने बयान से मामले का रुख ही बदल कर रख दिया।